नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है और आप देख रहे हैं अड़ी। भारत में जहां एक तरफ चुनाव का माहौल है तो वहीं धरती के पश्चिमी हिस्से में परमाणु खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान की जंग है। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वो डरा देने वाले हैं। नेटो से लेकर रूस ईरान तक परमाणु तैयारियों में जुट गए हैं। आज अड़ी में बात इसी पर होगी, क्या परमाणु युद्ध होगा तभी युद्ध रुकेगा। हमारे खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले वॉर जोन की बड़ी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहली खबर आ रही है, इजराइल का गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक हुआ है। बेत लहिया में हमास के मुख्यालय पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है, 70 जख्मी हुए हैं। 24 घंटे के ऑपरेशन में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गाजा में अब तक करीब 34,400 लोगों की जानें चली गई हैं। ये अभी तक का बहुत चौंकाने और डराने वाला आंकड़ा है। 24 घंटे के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिनकी मौत हुई है गाजा में वो आंकड़ा है 34,400 का। ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की। देखिए, जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद तमाम इमारतें नस्त नाबूद हो गई हैं। और इस वक्त देखिए, वहां से गुजर रहे इस वक्त घोड़ा बग्गी वाला जो है वो हिल जाता है। आसपास जो इमारतें थी वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती हैं। और ऐसे में ये अटैक, ये एयर स्ट्राइक बताती है कि इस वक्त गाजा धधक रहा है, गाजा में सब कुछ नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। और जानकारी ये है कि अब तक करीब 34,400 लोगों की गाजा में मौत हो चुकी है। इधर जानकारी एक और मिल रही है, अमेरिकी अब्राम्स टैंक पर रूस का हमला हुआ है। रूसी ड्रोन हमले में अमेरिकी अब्राम्स टैंक तबाह हो गए हैं। रूस ने अब्राम्स की तबाही की धमकी दी थी और अब ये कहा जा रहा है कि उसने उस धमकी को अमल में ला दिया है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स को तबाह करने की तस्वीरें, रूस ने इस बात की धमकी दी थी और वो अब धमकी अमल होती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों के जरिए, जिसमें उसने अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स पर अटैक किया है। और ये भीषण अटैक की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इस अब्राम टैंक को पूरी तरह से खत्म कर देने का इरादा रूस ने जो किया था उसे उसने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये टॉप एंगल शॉट आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो धधकती धरती दिख रही है ये अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स पर हमले के बाद रूस ने जो अटैक किया उसके बाद किया। और ये रूस अपने आप के लिए बहुत बड़ी कामयाबी देख रहा है। ये जो आग के शोले उठते हुए आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिका के अब्राम्स टैंक के नष्ट होने की तस्वीरें हैं, जो रूस की तरफ से बार बार दावे किए जाते रहे थे कि वो अब्राम्स टैंक्स को खत्म कर देगा और उसने अब उस खात्मे की तरफ एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर, खेरसोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का विध्वंसक अटैक हुआ है। 2 यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंटलाइन पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सुखोई 25 से ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खेरसोन में किस कदर यूक्रेनी एयरफोर्स का खौफ है, विध्वंसक अटैक है। और उसके बाद 2 यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंट लाइन पर यह अटैक किया गया है। और आप ये समझिए कि रूस डाल डाल यूक्रेन पात पात का जो सिलसिला है ये कितने महीनों से चल रहा है, और ऐसे में अब आने वाले वक्त में और कितना ज़्यादा ये खतरनाक रूप लेगा अपने आप में बहुत अहम है। सुखोई 25 से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। देखिए, अभी हम 3 ब्रेकिंग 3 विजुअल्स दिखा रहे हैं और ये अभी इस वक्त वॉर जोन की सबसे लेटेस्ट और विध्वंसक तस्वीरें बन गई हैं। गाजा में अब तक 34,400 लोगों की जाने गई हैं। अभी तक का ये आंकड़ा डरा देने वाला है। और ये देखिए जो तस्वीर उसके साथ आप देख रहे हैं, विध्वंस का एक और खौफनाक मंजर। वहीं दूसरी तरफ रूस ने जो शपथ ली थी अब्राम्स टैंक्स को तबाह करने की, उस शपथ के जरिए उसने साबित कर दिया है कि वो जो सोचता है वो करके दिखाता है। अब्राम्स टैंक्स को ध्वस्त करने की तस्वीरें इस वक्त सामने आई। ये अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स की तस्वीरें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं, जो रूस ने इरादा किया उस इरादे को उसने अंजाम तक पहुंचाया। और तीसरी जो ब्रेकिंग है वो खेरसोन में रूसी एयर स्ट्राइक की है और यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंटलाइन पर यह हमला हुआ है। और
और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। अशोक सजनहार, पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही एयर कमोडोर अश्मिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बारीक और पैनी निगाह इस वॉर जोन पर रखे हुए हैं। आप सभी सर का स्वागत है हमारे शो पर। अशोक सजनहार सर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं। अभी हमने तीन विजुअल्स दिखाए, इन तीनों विजुअल्स में जो ट्रिगर पॉइंट विजुअल्स आपको कौन सा नजर आ रहा है? गाजा की तस्वीरें दिखाई हमने, अब्राहम्स टैंक्स की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद यूक्रेनी सुकोई 25 जिस तरह से ध्वस्त होती तस्वीरें आपके सामने आई, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक और ट्रिगरिंग विजुअल कौन सा है? देखिए प्रीति, ये जो यूक्रेन और रूस की युद्ध है ये तो करीब 2 साल से चल रहा है, और जैसे आपने स्वयं बताया है जो ये इधर उधर वो चलता रहता है, कभी रूस मारता है, कभी यूक्रेन मारता है, कभी किसका पल्ला भारी होता है, कभी दूसरे का पल्ला भारी होता है। परंतु अभी जो है ये पश्चिम एशिया में जो ये हालात बन गए हैं, गाजा और में जो इसराइल का वहाँ पर हमला हो रहा है, तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि अगर ये वाला जो युद्ध है ये गाजा से हटकर और जो क्षेत्रीय देश हैं उन तक ये पहुँच जाता है, जैसे कि हमने देखा है इसराइल और ईरान के बीच में अभी एक दूसरे ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। इसराइल ने सीरिया में डमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट को मारा, वहाँ से उन्होंने ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स वगैरह फायर किए। तो अगर ये एक्सपैंड करता है तो मैं समझता हूँ ये न केवल इस क्षेत्र के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए बहुत ही भयावह ये मंजर होगा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर, एक विजुअल हम दिखा रहे हैं जिसमें गाजा में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें विध्वंस की सामने आई है, क्या